हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये Part-5 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, बैलेंसिंग इक्वेशन Part-2 है। Part-1 प्लीज़ इसके पहले की वीडियो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो आप लोग को ये Part-2 का कुछ भी नहीं समझेगा। इसमें मैंने एकदम बेस्ट एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया है, इसलिए Part-1 जो है केमिकल इक्वेशन का, ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन है, इसका ज़रूर आप लोग देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने बैलेंसिंग इक्वेशन Part-1 नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा हुआ है, आप लोग जहां वीडियो वॉच कर रहे हैं न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। साइंस Part-1 में जाके आप लोग सारे वीडियोज़ के जो वहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन Part-1 है उसे प्लीज़ एंड प्लीज़ देख लीजिए, फिर उसके बाद ही आप लोग इसे देखिएगा। ठीक है, उसे पूरा वॉच कीजिए, फिर इस बैलेंसिंग इक्वेशन Part-2 को फिर देखिएगा, आप लोगों को और अच्छे से समझ जाएगा। बैलेंसिंग इक्वेशन में आप लोगों को फिर कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमेशा इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग गारंटीड कर सकते हैं खुद से। ओके ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखा था हम लोगों ने वहां पर कि जो ये हमारा इक्वेशन है ये इनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ जो एटम है रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रोडक्ट साइड में, क्या ये इनबैलेंस्ड है, सिमिलर नहीं है, सेम सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग को पता कैसे चलेगा, सब लोग हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे एलिमेंट का, और यहाँ पे कितने नंबर, कितने एलिमेंट्स हैं, एक तो सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। ठीक है, तीन हम लोग को यहाँ पर भी देखो सल्फर ही, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो तीन क्या मिल गए एलिमेंट मिल गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितने, एक दो तीन है, दो दो भाई सब कुछ हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कैसे पता चलेगा, सल्फर कितना, एक सल्फर यहाँ पे, दूसरा सल्फर यहाँ पे, सल्फर दो हो गए, एक दो ऑक्सीजन यहाँ पे तो दो ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर देखते हैं अब प्रोडक्ट साइड में, अभी आप इसको मत देखिए, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, एक एक सल्फर यहाँ पे तो एक सल्फर यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन। ठीक है, ये समझा। चलो अब फटाक से देखते हैं कि इसको बैलेंस क्या करना है। अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाले में आ जाओ, यहाँ पर क्या था, वन था, यहाँ पर क्या था, टू था, इसको फटाक से मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, इसको भी टू बना दिया, इसको भी टू बना दिया, बस जैसे ही ये किया तुरंत हमको नया इक्वेशन लिखना है। ठीक है, क्या करना है, तुरंत नया इक्वेशन फॉर्म करना है। चलो इस टेबल के बेसिस पे तुरंत नया इक्वेशन, चलो SO। अब देखो हम लोग ने प्रोडक्ट साइड में, कौन से साइड में, प्रोडक्ट के साइड में टू से मल्टीप्लाई किया है, किसमें, सल्फर में, तो यहाँ पे सल्फर में टू लिख देंगे, लिख दिया मैंने टू, इसके पहले देखो आप लोगों को, इसके पहले सल्फर में यहाँ पर देखिए, ये देखिए वहाँ पे सल्फर में टू है क्या, ये सल्फर में टू है, नहीं है ना, तो चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सल्फर में क्या है, यहाँ पे सल्फर में टू है, देख लीजिए। ठीक है, बस अब ये हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना है, जो भी ये टेबल है इस सॉरी जो ये भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन के बेसिस पे नया टेबल फॉर्म करना है, इस टेबल को कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो भी यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है इस इक्वेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, नया वाला जो भी यहाँ पे टेबल है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे नया टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया SO2 H2SO, जो H2S है 2S, फिर H2O, इसके बेसिस पे नया टेबल, सबसे पहले ये बैलेंस हो गया था अपना ऊपर। ठीक है, दूसरा वाला ऑक्सीजन आप लोग गिनिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन ही रहेगा, यहाँ पर देखो सिंगल ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो जो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या रहेगा, दो दो हो गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो है, देखिए यहाँ पे दो हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल ही है, देख लीजिए यहाँ पर भी, फिर यहाँ पे देखो सल्फर इस, तो यहाँ पे जो ये सल्फर है, तो ये सल्फर कितना है, एस, यानी एक सिंगल, यहाँ पे देखिए एस है और यहाँ पे एक एस है, तो यहाँ पे ये टोटल इस साइड और इस साइड दोनों यहाँ पर भी एस एस दोनों दो दो है। ठीक है, तो अब इनबैलेंस्ड क्या बचा, ये एक भी इनबैलेंस था, इसको फटाक से दो से मल्टीप्लाई किया, इसको भी कर दिया, बस जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं करना है, तुरंत क्या करना है, नया इक्वेशन लिख लेना है, फिर से नया इक्वेशन लिख लिया। चलो अब देखते हैं नए इक्वेशन में क्या है, नए इक्वेशन में क्या किया हम लोग ने, नया इक्वेशन में क्या लिखा,
ये तो वैसे ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट साइड में इस वाले कॉलम में तो कुछ चेंजेस ही नहीं लाए, इस कॉलम में चेंजेस लाए हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो हो गया था पहले ही। अब हम लोग ने इस ऑक्सीजन में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन ने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये ऑक्सीजन में यहाँ पे तो 2 ऐसे लिखेंगे नहीं, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा इस साइड लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कभी भी इसके नीचे ऐसे 2 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया था किसमें, ऑक्सीजन में, इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट, अब तो क्या करेंगे, जैसे ही ये वाला इक्वेशन बनेगा तो हम लोग फिर से नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। टेबल तब तक बनाते जाना है आप लोग को जब तक बैलेंस इक्वेशन नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा बैलेंस इक्वेशन, मैं बताऊंगा, ठीक है, तो तब तक बनाते जाओ आप लोग फिर, ठीक है। अगला टेबल SOH, वैसे ही सेफ सेम सेम, ये वाला बैलेंस है ऑलरेडी, हाइड्रोजन था ये भी बैलेंस हो गया। अगले में आते हैं, अगले वाले में क्या था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे तो भाई 4 हो गया। कैसे 4 हो गया, आप लोग यहाँ पे जब फिर से टेबल नया बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर 4 मिलेगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। आप लोगों को ये वाले टेबल से कुछ मतलब नहीं, भाई यहाँ पे 2 था तो वहाँ पे 4 कैसे आ गया, उससे मतलब नहीं। आपने यहाँ पे चेंजेस किए ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों ने चेंजेस किए, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, अब हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए ना, तो हाइड्रोजन जब टोटल 4 हो गए तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टोटल हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल हाइड्रोजन 4 लिखोगे ना, ठीक है, समझ गया। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोगों ने 4 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही था तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 हो जाएगा, क्या हो गया, ये भी 4, यानी ये 4 और ये भी 4 बन गया, ठीक है। अब देखो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो फिर से नेक्स्ट इक्वेशन फिर से लिखोगे, क्या करोगे, फिर से नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे ना। चलो आ जाओ अगले इक्वेशन में, जैसे आपने इक्वेशन लिखा तो आपने इस बार रिएक्टेंट साइड में 2 से हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, आप लोगों ने 2 से यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से आप लोग, ये देखिए 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और ये 2 से एक मल्टीप्लाई हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए। फिर यहाँ पे सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर 2 है, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट का अपना हो गया। लेकिन रिएक्टेंट साइड में देख लीजिए 2 क्या है, यहाँ पर 2 सल्फर है, एक यहाँ पे है, ठीक है। फिर देख लीजिए आप लोग ऑक्सीजन, देख लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब हाइड्रोजन भी क्या था, यहाँ पे एक ही था, लेकिन हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल बनाना है ना, तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, 4। अब देखिए फिर चेंजेस क्या आए, अगर यहाँ पे 2 करोगे तो ये सल्फर ही बढ़ेगा ना, तो बढ़ने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है, कोई नो टेंशन नहीं लेने का, बढ़ा तो बढ़ा, ठीक है, तो नो टेंशन है। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब जैसे ही आप लोग क्या करोगे, जैसे ये नया इक्वेशन फॉर्म हुआ, देखो यहाँ पे ये जैसे ही नया इक्वेशन फॉर्म हुआ, फिर क्या करोगे, फिर से नया टेबल बनाओगे इक्वेशन के बाद तुरंत टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नया टेबल, फिर से आ जाओ, ये देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो ये, सॉरी ये जो सल्फर है, सल्फर एक सल्फर और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 सल्फर हो गए यहाँ पर, और यहाँ पे एक सिंगल सल्फर, यानी कि 3 सल्फर चेंजेस आ गए तुरंत ही। और यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे वैसे का वैसे ही रहेगा, रिएक्टेंट साइड में चेंज होगा, ये 2 है ये 4 वैसे ही रहेगा, आप लोग गिन लीजिए यहाँ पे सारे नंबर ऑफ एटम्स, तो ये फिर से ऐसे हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आया तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए अभी तक तो क्या था, ये 2 था भाई, ये 2 था, मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि देखो ये इवन नंबर थे, इवन नंबर फटाफट मल्टीप्लाई हो जा रहे थे। अब ये देखिए ये एक साइड ऑड आ गया, एक साइड इवन। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 2 से करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर इतने बड़े बड़े नंबर 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दुनिया भर का ये सब करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर रिएक्टेंट साइड में 3 3 एलिमेंट हैं, कितने मतलब इनपुट हैं, एटम हैं, 3 एटम हैं, तो अपना प्रोडक्ट साइड में भी 3 ही एटम होने चाहिए ना। अगर सल्फर के रिएक्टेंट साइड में 3 एटम हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 ही एटम होना चाहिए टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 3 है, ऑटोमेटिकली +1 कर दूंगा, इसको भी 3 बना दूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पे आप लोग को मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला नया टेबल है, यहाँ पे नया टेबल में तुरंत मैं यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे ये जो है ये सब तो ऐसे ही हो गए, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 मैंने बना दिया 3, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, जो बैलेंस इक्वेशन होगा, क्योंकि देखो ये जो सारा अपना टेबल था, टेबल तो बैलेंस मिल गया ना, 3 3 हो गया, 2 2 हो गया, 4 4 हो गया, सब बैलेंस है। तो अब यहाँ भी बैलेंस रहेगा, जो जैसे आया वो वैसे, और यहाँ पे 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, सारे ये इसके बेसिस पे यहाँ पे लिख दीजिए, इसके बेसिस पे यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये वाला रिएक्टेंट, इसके बेसिस पे ये वाला प्रोडक्ट, जो भी आपको इक्वेशन मिला ये क्या मिला, बैलेंस्ड इक्वेशन मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझा है तो कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को वॉच कीजिए,
आप लोग को ये स्टेप अगर एक बार समझ गई तो कभी भी आप लोग इस इक्वेशन को, मतलब जो भी इक्वेशन होगा बैलेंसिंग में, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसके पार्ट वन सबसे पहले देख लीजिए, फिर पार्ट टू को आप लोग अच्छे से देखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो पूरे बैलेंसिंग इक्वेशन को अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज़ पूरी वीडियो को आप लोग अच्छे से आप लोग को देखना पड़ेगा, पार्ट वन पार्ट टू दोनों बैलेंसिंग इक्वेशन के, ठीक है। तो कैसे देखना है, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है वहाँ पर क्लिक करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है।